शारदीय नवरात्र का उत्सव जोर शोर से जमशेदपुर में आरंभ हो गया है और हर साल की तरह मैं अन्नी अमृता आप सबको दुर्गा पूजा की विशेष कवरेज दिखाने के लिए एक बार फिर हाजिर हूँ। इस बार प्लेटफॉर्म है शार भारत और इस वक्त मैं खड़ी हूँ आदित्यपुर के जयराम स्पोर्टिंग क्लब में, वही स्पोर्टिंग क्लब जिसकी पूजा पूरे देश में मशहूर है और बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आसपास के तमाम राज्यों से जो है लोग आते हैं। तो मैं वहीं खड़ी हूँ और आपको फिर दिखाती हूँ यहाँ का पंडाल, यहाँ के लोग। ये पंडाल देखिए कितनी खूबसूरती से बनाया गया है, बीच में बुद्ध की मूर्ति दिखेगी आपको शांति का संदेश देती हुई, थीम वही है विश्व शांति और आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसके उपलक्ष में जो है चारों तरफ आपको वही थीम देखने को मिलेगी, देशभक्ति गीत और नृत्य प्रतियोगिता चल रही है। पूजा कमेटी के लोग बैठे हुए हैं और चारों तरफ CCTV कैमरे लगे हैं, स्क्रीन है, तमाम व्यवस्था की गई है कि किसी भी आपात स्थिति के निपटने के लिए जो लोग हैं यहाँ तैयार रहेंगे। पुलिस बल की भी नियुक्ति है और आपको यहाँ भारत माँ की वो दिखाते हैं जो तस्वीर है, चूँकि आज़ादी का अमृत महोत्सव बताया जा रहा है यही थीम है और लगातार जो है लोग जो है आ रहे हैं विभिन्न इलाकों से, विभिन्न राज्यों से, आसपास के शहर से, इस शहर से, तमाम जगहों से लोग आ रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कुछ लोगों से बात भी करेंगे, बच्चों से या फिर जो भी पब्लिक है। हम दिखाते हैं यहाँ से व्यवस्था की गई कि यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ से लोग जा रहे हैं और उसके बाद वो यहाँ पहुँचते हैं और अंदर पंडाल में नहीं जाना है चूँकि यहाँ बहुत भीड़ होती है और दसों दिन यहाँ भीड़ होती है। बाकी पंडालों में सप्तमी, षष्ठी वगैरह से शुरू होता है लेकिन यहाँ पहले दिन से ही जो है लोगों का हुजूम आ पहुँचता है, यही वजह है कि यहाँ ख़ास तौर पर आपको वहाँ देखिए पुलिस बल की भी नियुक्ति है, वो भी हम दिखाना चाहते हैं। सहयोगी बबलू कहते हैं कि दिखाए, वहाँ पुलिस बल की तैनाती है, पुलिस के जवान आपको चारों तरफ यहाँ देखने को मिलेंगे जो हालात पर नज़र रखे हुए हैं और जो लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी जो हैं यहाँ पे आई हैं, कोशिश करते हैं बात करने के लिए, वहाँ पे वहाँ चलते हैं, वहाँ शायद हमें लोग मिले तो जहाँ हम बात कर पाएंगे। आपको हम हर चीज़ दिखाएंगे, यहाँ पर महिला ढाकी हैं उनको भी हम दिखाएंगे वो कैसे बजा रही हैं, क्या कुछ समा बांध रही हैं, उसके पहले हम यहाँ पब्लिक से बात करने की कोशिश करते हैं। ये आप लोग कहाँ से आए हैं ये देखने के लिए? ये बागबेड़ा से आए हैं हम लोग। आज तो अभी तो शुरुआत ही हुई है दुर्गा पूजा की, काफ़ी भीड़ है यहाँ, तो हमेशा ऐसा होता है क्या लग रहा था कि बाद में देख नहीं पाएंगे इतनी भीड़ हो जाएगी इसलिए आज? हाँ मैम ऐसा ही है क्योंकि इस बार कोविड के वजह से तो लोग निकल नहीं पाए हैं तो इस बार भीड़ होने की आशंका ज़्यादा है, तो छोटे बच्चे के साथ घूमना थोड़ा मुश्किल है इसलिए नहीं कर रहा है। नहीं एकदम नहीं, एकदम नहीं करता। और आप इनके साथ हैं? जी जी हाँ। यहाँ का पंडाल क्यों इतना अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा यहाँ भीड़ होती है? जी यहाँ का कुछ अलग बात होता है शायद, इसलिए सबसे हटके बनाता है ये, इसीलिए शायद। और ये दो साल कोरोना में तो बिल्कुल नहीं घूम पाए, तो अभी ये जो इतने अरसे के बाद आप एक सामान्य तरीके से दुर्गा पूजा मना रहे हैं तो ये कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, कोरोना के बाद ये फर्स्ट टाइम ये दुर्गा पूजा सेलिब्रेट हो रहा है तो थोड़ा ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ है। जी आप लोग घूमिए आराम से, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और लोगों से देखते हैं कि बात करते देखते कोई मिलता है। और यहाँ पे कुछ नए बच्चे लोग दिख रहे हैं, उनसे बात करते हैं, बच्चे लोग सेल्फी ले रहे हैं, इनसे हम कोशिश करते हैं। ये आप लोग कहाँ से आए हैं? NIT जमशेदपुर। NIT से हैं? सभी NIT से। तो आप जमशेदपुर के या किसी अन्य जगह के? दूसरे जगह के। कहाँ के? वाराणसी। वाराणसी से? मैंने भी वाराणसी से पढ़ाई की है। तो आपका क्या नाम है? खुशी। खुशी, तो ये आप कब से NIT में, ये पहली बार दुर्गा पूजा घूम रही है या फिर फर्स्ट टाइम? पहली बार है। कोरोना के बाद पहली बार जो है इस तरह का अरेंजमेंट हो रहा है कि यहाँ और भी बड़ा पंडाल? फर्स्ट ईयर है तो हमें नहीं पता। अलग अलग जो देश के राज्यों से वो यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, NIT है आदित्यपुर में और उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की, वो वाराणसी के हैं और यहाँ पढ़ते हैं रहकर। अब देखिए आपको हम एक एक कोने को दिखाएंगे यहाँ पे पंडाल के, यहाँ से फिर हम जाएंगे कि जो महिला ढाकी है उनको हम दिखाएंगे आपको, तो चलिए चलते हैं उनके पास। हम आ चुके हैं पंडाल के एकदम भीतर जहाँ माँ दुर्गा की मूर्ति है, आपको मूर्ति के दर्शन कराते हैं और देखिए अद्भुत अद्भुत समा है ये, इतना खूबसूरत ये एहसास है और मैं क्या कहूँ, मैंने तो बोलती ही बंद हो जाती जब मैं माँ दुर्गा की मूर्ति को देखती हूँ। और यहाँ पर जिस तरह से दृश्य उपस्थित किया गया है महिषासुरवध का मूर्ति के रूप में, वो बहुत ही भावना से परिपूर्ण कर देने वाला है। और
कोई भी दुर्गा पूजा हो और कोई भी पंडाल हो, उसमें सबसे बड़ी खासियत होती है कि उसमें मूर्ति किस तरह की है, लोग उसकी चर्चा करते हैं कि माँ की मूर्ति कैसी थी और कितनी भव्यता प्रदान कर रही थी। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो है कि उस पूजा पंडाल कमेटी में जो कलाकार आते हैं परफॉर्मेंस देने के लिए, उनकी चर्चा काफ़ी होती है। हमारे साथ देखिए, अब से कुछ देर पहले हम आपको दिखा भी रहे थे कि राधा और कृष्ण की नृत्य प्रस्तुति हो रही थी और जमुना के तट पर जब नटखट वाले गाने पर इन्होंने प्रस्तुति दी, वो लोग देखते रह गए, दंग रह गए। और हम इनसे जानते हैं कलाकार कहाँ से आए हैं, कौन है। आप लोग कहाँ से आए हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोम साहू है। और कहाँ से आए हैं? सुनारी। सुनारी। और आपका नाम क्या है? राज। हाँ राज। आप कहाँ से? जी ये आप पूरे दुर्गा पूजा के दौरान आप लोगों को बहुत सारे जगह जाना पड़ता होगा, बताइए अपने कलाकार होने के नाते जब लोगों से आप लोगों को अप्रिसिएशन मिलता है, किस तरह की भावना आपके भीतर जागृत होती है? बहुत अच्छा लगता है, लोगों से बहुत अच्छा प्यार मिलता है और ऐसे ही बहुत लोग हमें बहुत पसंद करते हैं। जब हम भगवान के रूप पे जाते हैं तो लोग हमें बहुत पसंद करते हैं। हाँ, हम लोग भी बहुत अच्छा लगता है। आई नो आर्टिस्ट के तौर पे हम लोग सभी जगह जाते हैं, यहाँ भी, नेपाल भी, सभी जगह, जो पूरा बंगाल, छत्तीसगढ़, दिल्ली, वृंदावन, हर जगह जाते हैं और हर जगह बहुत प्यार मिलता है। हर ही जगह हम लोग को बहुत प्यार मिलता है। इस बार हम लोग को थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर ये इस साइड आई थिंक ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि हम यहाँ कर रहे हैं, तो हर साल हम लोग बाहर चल जाते हैं। अच्छा। इधर पहला ऐसा है कि यहाँ बस कर रहे हैं। बीच में 2 साल कोरोना का दौर था तो काफी बैक हो गया था, वो रुक गया था, तो एक कलाकार के तौर पे अभी लग रहा है कि अब फिर आप लोगों को एक मौका मिल रहा है। ये जो गेटअप है राधा कृष्ण का, इतना सारा कुछ करना, कितना टाइम लगता होगा इस पूरे गेटअप? 3 घंटे। तीन घंटे लग जाते हैं इस गेटअप को लाने में। तो आप जब भी कहीं जाएं और ऐसे कलाकार को देखें तो उनको आप सैल्यूट करें, उनको ताली बजाकर उनका स्वागत करें, उनकी खिली न उड़ाएं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कला की इज्जत नहीं करते हैं और वो नहीं समझते हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए तो कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे, सभी की नज़रिए की बात है। अगर वही बोला जाता है कि मानो तो पत्थर में भगवान है, तो बस वही बात है। माँ दुर्गा को से कुछ मांगना चाहेंगे इस बार, जैसे अभी दुर्गा पूजा के समय क्या कहना? एक ही चीज़ मांगना चाहेंगे कि जैसा चल रहा है अभी वैसा ही चले और लोगों को सही सलामत रखी, स्वस्थ रखी, बस यही कामना है मेरी माँ दुर्गा से। हाँ जी, हमें वो जो बीमारी 2 साल पहले आई थी उनसे हमें बहुत दूर रखे, सभी को दूर रखे और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बिल्कुल, तो इस दुर्गा पूजा सबकी यही कामना है कि वो दौर फिर दोबारा हमें ना देखने को मिले। और यहाँ पर हम पंडाल के भीतर थोड़ा सा आपको ऊपर दिखा देते हैं, ये जो खूबसूरती के साथ सजाया गया है और कई तरह के मटेरियल्स का इस्तेमाल हुआ है इसमें। आमतौर पर यहाँ पर बड़ा पंडाल बनता है, इस बार थोड़ा छोटा है, थोड़ा और नज़दीक से हम दिखा देते हैं ये किस तरह से सजावट की। और पश्चिम बंगाल के जो कारीगर हैं वो जब उसको मूर्त रूप देते हैं, और माँ की जो मूर्ति है इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। बस आप देखें, माँ दुर्गा को प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद लें। अब हम आ गए हैं पंडाल परिसर के एकदम नज़दीक। यहाँ पर मुख्य संरक्षक जो पूर्व विधायक अरविंद सिंह जी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि पंडाल की थीम क्या है या क्या कुछ बजट रहा है। आपको यहाँ दिखा भी देते हैं, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है पूरा देश और ये मुख्य थीम है यहाँ पर। और इसके अलावा जो पूजा पंडाल है उसमें क्या थीम है, क्या अरेंजमेंट है पब्लिक के लिए, इन सब चीज़ों पर हम बात करते हैं। अरविंद जी, आपका स्वागत है। ये जानना चाहेंगे कि इस बार क्या थीम है पंडाल का और उसमें जो मूर्ति दिख रही है बुद्ध की, उसमें क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं अरेंजमेंट? थीम जो है विश्व शांति की बात, विश्व बंधुत्व की बात को हम लोगों ने लिया है और उसी पे। और दूसरी जो थीम थी आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसको हम लोगों ने थीम के रूप में लिया हुआ है। और ये के जैसे भीड़ बढ़ रही थी, अभी आप समझा भी रहे थे लोगों को, और आज से ही शुरू हो गया है और दिन ब दिन बढ़ेगा ये, तो क्या कुछ पूजा कमेटी इंतजाम? पूरा कैमरा के जद में है, सारे लोग उस माध्यम से देख रहे हैं। फोर्स हमारे पास 20-25 है जो पूरे चारों तरफ खड़ी है, वो अपने स्तर पे देख रहे हैं। वॉलेंटियर्स हैं हमारे, लाइन हम लोगों ने लगवा दिया है,
और प्रिकॉशन हम लोग ले रहे हैं कि कोई भी गलत आदमी कैसे भी नहीं आए वो देख रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नजर आ रहा है, उस सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नजर आ रहे हैं, डांस म्यूजिक ये सभी है। जो कि अमृत महोत्सव है इसलिए आज़ादी की गाने माँ का स्तुति के साथ साथ भजन के साथ साथ हम लोग आज़ादी की भी गाना दे करके उस अमृत महोत्सव में हमारे पूर्वजों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अरविंद जी ये जो पंडाल है उसमें महात्मा बुद्ध की भी मूर्ति दिख रही है, तो कोई खास मंदिर है या फिर एक थीम है कि शांति का संदेश? नहीं, इसमें बहुत सारा से है। अब देखिएगा साउथ का वो जो पिलर है जिसमें बाघ है वो साउथ का मंदिर का पिलर है, वहाँ की ऊपर में बौद्ध धर्म है। मंदिर जो है ग्रेनाइट का कलर से हम लोगों ने बनाया, वो एक अपना बहुत भव्य माँ की मूर्ति लग रही है, तो ये सब प्रिकॉशन हम लोगों ने लिया है। महिला जो ढाकी बजाने के लिए महिला मंडली आई, पहली बार जमशेदपुर में महिला टीम आई है, दो दो टीम थी, एक टीम गई है फिर आएगी, और महिला टीम से हम लोग ये प्रोग्राम करवा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पूर्व विधायक अरविंद जी और इस दुर्गा पूजा कमेटी, जो जयराम स्पोर्टिंग दुर्गा पूजा कमेटी इसके ये मुख्य संरक्षक है, इनके ही निर्देशन में जो है दुर्गा पूजा संपन्न होती है। और दूर दूर से बगल के बंगाल और उड़ीसा से भी जो है हजारों लाखों की संख्या में लोग जब जमशेदपुर आते हैं तो सबसे ज़्यादा भीड़ जो है वो इसी जगह पर होती है, आदित्यपुर में, जहाँ मैं इस वक्त खड़ी हूँ जयराम स्पोर्टिंग क्लब की दुर्गा पूजा को देखने के लिए। सबसे ज़्यादा यहाँ पर भीड़ उमड़ती है। और इस प्रकार जो है अब अगले कुछ दिनों तक जो शारदीय नवरात्र का उत्सव है जमशेदपुर में, उसके आपको अलग अलग तरीके कई रंग देखने को मिलेंगे और हर रंग हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल विराम देते हैं सहयोगी बबलू के साथ, अन्य अमृता शार भारत के लिए।